लॉरेंस विश्नोई गैंग के बदमाश को इंदौर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6 जिंदा कारतूस, पिस्तौल, एक गाड़ी जब्त। इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम बिहार जिला गोपालगंज के थाना कुचाय कोर्ट में जारी किया गया है। इसके साथ दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम एक दीपक रावत था और दूसरा आदेश चौधरी। ये तीनों ही ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं और आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जो पहला आरोपी है भूपेंद्र सिंह रावत, इसके ऊपर पूर्व में काफ़ी सारे अपराध हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन, NDPS और अन्य मामले भी पंजीबद्ध हैं। इसके खिलाफ जो 50,000 का इनाम जारी किया गया है, वह थाना जिला गोपालगंज में 6 ग्लॉक पिस्टल सप्लाई करने के मामले में इसका नाम आया था। इसके पूर्व में ये पंजाब पुलिस भी इसे गिरफ्तार कर चुकी है 2 ग्लॉक पिस्टल्स की स्मगलिंग के मामले में। इससे लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में बात सामने आई है कि ये कई तरीकों से लॉरेंस बिश्नोई नामक ग्रुप से जुड़ा हुआ है और उनके काफ़ी सारे कामों को देखता है, और आर्म्स स्मगलिंग से लेकर के ड्रग्स ट्रैफिकिंग तक ये सारे काम इन लड़कों के द्वारा किए जा रहे हैं। इनसे लगातार पूछताछ जारी है और इन तीनों आरोपियों को इस वेपन के साथ में और 6 राउंड के साथ में गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। आरोपियों से 3 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और एक गाड़ी बरामद। इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा अंतर्राज्यीय गैंग के एक आरोपी के साथ 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शराब ट्रक हाईजैक करने के इरादे से थार गाड़ी से बाईपास पर घूम रहे थे। बिश्नोई गैंग से जुड़ा आरोपी भूपेंद्र रावत पर बिहार के गोपालगंज थाना पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। दरअसल इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाईपास पर एक काले रंग की थार गाड़ी में 3 अपराधी किसी शराब ट्रक को हाईजैक करने के इरादे से बाईपास पर घूम रहे हैं और सभी आरोपी हथियारों से लैस हैं। सूचना के बाद पुलिस ने एक टीम बनाई और आवश्यक तैयारी के साथ पुलिस बदमाशों के पीछे लगी बताए गए स्थान पर थार गाड़ी नंबर के आधार पर उस गाड़ी को रोका, जिसमें 3 आरोपी बैठे हुए थे। जब उनका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम भूपेंद्र सिंह रावत निवासी राजस्थान, आदेश चौधरी निवासी अजमेर राजस्थान, दीपक सिंह रावत निवासी अजमेर राजस्थान होना बताया। जब उनकी अलग अलग तलाशी ली गई तो उनके पास कमर में खुसी हुई 3 देसी पिस्तौल भी बरामद हुई, जिसमें कुल 6 जिंदा राउंड भी पुलिस ने बरामद किए हैं। जब इनसे और सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये एक शराब के ट्रक को हाईजेक करने की नियत से घूम रहे थे। उसमें मुख्य आरोपी भूपेंद्र रावत बिहार का नामी बदमाश निकला, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं अन्य 2 आरोपियों पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं जानकारी में ये बात भी सामने आई कि ये हवाला के जरिए पैसा विदेश में भी ट्रांसफर करते थे और वहां से लाते भी हैं। वहीं एक अन्य आरोपी आदेश चौधरी इन आरोपियों को चोरी की गाड़ी उपलब्ध कराता था। भूपेंद्र फरीदकोट में जब जेल में बंद था तो इसके साथ लॉरेंस बिश्नोई भी था, वहां से इनकी पहचान हुई थी। फिलहाल पुलिस अब इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। संवाददाता संजय शर्मा, इंदौर। लसूड़िया क्षेत्र अंतर्गत में एक टिप ऑफ हमें प्राप्त हुआ था कि कुछ बदमाश हैं जो कि एक गाड़ी में कोई घटना करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि ब्लैक कलर की थार गाड़ी है। तो थाना पुलिस की टीम के द्वारा एक टीम लगाई गई, जिन्होंने इन थार के बदमाशों को घेराबंदी करके पकड़ा, राउंडअप किया और इनसे पूछताछ करी। पूछताछ में ये बात सामने आई, उनसे जब जामा तलाशी ली गई तो उनके पास में 3 देसी पिस्टल्स बरामद की गई। उनसे पूछा गया कि ये पिस्टल्स किस कारण से थी और इसका लाइसेंस वगैरह उनके पास था कि नहीं था, जिनका कोई भी लाइसेंस उनके पास नहीं मिला। ये पिस्टल्स उनके द्वारा एक घटना करने के लिए लेकर के आया गया था। एक
जो शराब कारोबारियों का जो ट्रक होता है उसको हाईजैक करने के उद्देश्य से वो लोग यहाँ पर आए थे और वो घटना करने वाले थे, उसके पहले ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई कि जो आरोपी हैं इनमें से एक आरोपी जिसका नाम भूपेंद्र सिंह खरवा, भूपेंद्र सिंह रावत है, जो कि ब्यावर राजस्थान का रहने वाला है, इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम बिहार जिला गोपालगंज के थाना कुचाय अच्छा कोर्ट में जारी किया गया है। इसके साथ दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम एक दीपक रावत था और दूसरा आदेश चौधरी। ये तीनों ही ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं और आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जो पहला आरोपी है भूपेंद्र सिंह रावत, इसके ऊपर पूर्व में काफ़ी सारे अपराध हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन, NDPS और अन्य मामले भी पंजीबद्ध हैं। इसके खिलाफ जो 50,000 का इनाम जारी किया गया है, वह थाना जिला गोपालगंज में 6 ग्लॉक पिस्टल सप्लाई करने के मामले में इसका नाम आया था। इसके पूर्व में ये पंजाब पुलिस भी इसे गिरफ्तार कर चुकी है 2 ग्लॉक पिस्टल्स की स्मगलिंग के मामले में। इससे लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये कई तरीकों से लॉरेंस बिश्नोई नामक ग्रुप से जुड़ा हुआ है और उनके काफ़ी सारे कामों को देखता है, और आर्म्स स्मगलिंग से लेकर के ड्रग्स ट्रैफिकिंग तक ये सारे काम इन लड़कों के द्वारा किए जा रहे हैं। इनसे लगातार पूछताछ जारी है और इन तीनों आरोपियों को इस वेपन के साथ में और 6 राउंड के साथ में गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।